हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति नागदेव। मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो है बेबी पोटैटो चाट, जो बेहद स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं बेबी पोटैटो चाट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बेबी पोटैटो चाट बनाने के लिए ये मैंने बेबी पोटैटोस ले लिए हैं, जो एकदम छोटे वाले रहते हैं। ये करीब 500 ग्राम्स मैंने लिए हैं। नमक, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी चटनी, इमली और खजूर की चटनी, बारीक सेव और ऑयल। बेबी पोटैटो चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेबी पोटैटोस को फॉर्क से ऐसे छेद कर देंगे। इस तरीके से हम सारे पोटैटोज में फॉर्क की मदद से छेद कर प्रेशर कुकर में डालते जाएंगे। ये हमने सारे पोटैटोज में फॉर्क की मदद से छेद कर दिए हैं। अब इसमें हम सफिशिएंट पानी डालेंगे। अब इसमें हम ये नमक डाल रहे हैं, करीब 3/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला। अब हम कुकर को बंद कर आलू को बॉईल कर लेंगे जब तक ये गल नहीं जाते हैं। ये छोटे छोटे आलू हैं, इसलिए हम इसमें एक विसल लेंगे और 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे हम अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। ये आलू हमारे बॉईल हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल कर छील लेंगे। ये हमने आलू छील लिए हैं, इसमें हम 1/4 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। अब इन आलूओं को हम हल्के हल्के हाथ से दबाते जाएंगे, इस तरीके से। बहुत ज्यादा नहीं दबाना है, आलू टूटना नहीं चाहिए। ये हमने सारे आलू इस तरीके से दबा लिए हैं। अब इन्हें हम या तो डीप फ्राई कर सकते हैं या शेलो फ्राई कर सकते हैं। आज हम इस चाट का हेल्दी वर्शन बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें शेलो फ्राई करेंगे। ये पैन गर्म हो गया है, अब इसमें हम 1-2 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये पोटैटोस रख देंगे। ये पोटैटोस हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। चाट किसे पसंद नहीं होती है, हम अलग अलग तरीके की चाट बनाकर खाते हैं। इस बार आप ये बेबी पोटैटो चाट ट्राई कीजिए, ये आपको और जिसे भी आप खिलाएंगे सभी को बहुत पसंद आएगी। अब इसे हम अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। इस चाट को बनाना बहुत ही आसान होता है, कोई बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए आपको इसे बनाने के लिए, और बच्चों की तो ये फेवरेट होती है। हम इन्हें पलटा कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू चाट तो आपने बहुत बार खाई होगी, इस बार आप थोड़ी सी नई चाट ट्राई कीजिए, बेबी पोटैटो चाट। ये देखिए हमारे पोटैटोस कैसे सिक गए हैं, जो पूरी तरह सिक गए हैं इन्हें हम निकाल लेंगे। आपको दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। शुरू में हमने फ्लेम हाई रखी थी, थोड़ी देर बाद ही हमने फ्लेम को लो मीडियम पर सेट कर दिया था, ताकि लो मीडियम फ्लेम पर ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। ये पोटैटोस फ्राई करते समय थोड़ी देर बाद हम इन्हें थोड़ा थोड़ा प्रेस कर थोड़ा थोड़ा और दबा कर थोड़ा चपटा करते जाएंगे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो पाए। ये हमारा एक बैच बेबी पोटैटोस का फ्राई हो गया है, अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम इसका सेकंड बैच भी तैयार कर लेंगे। ये हमारे सारे बेबी पोटैटोस फ्राई हो गए हैं, देखिए लग रहे हैं ना टिकिया की तरह, जैसे छोटी छोटी टिकिया हो। ये एकदम क्रिस्पी है और खाने में बेहद स्वादिष्ट है। अब हम इसकी चाट बनाएंगे। इसकी चाट बनाने का भी एक अलग तरीका होता है, जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। यह देखिए हमारी ग्रीन चटनी काफी गाढ़ी है, हम थोड़ी सी से पतली कर लेंगे। थोड़ी सी चटनी अलग निकाल कर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे।
थोड़ी सी हमने पतली कर ली है चटनी, ऐसी कंसिस्टेंसी की चाहिए। अब हम इसकी चाट बनाते हैं। यह इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी है। इसकी रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप देखकर बना सकते हैं। अब आपको जब सर्व करना है उतनी आप बेबी पोटैटोस को उठाकर इस चटनी में डालेंगे। अभी हम एक प्लेट तैयार करेंगे, इन्हें हम डिप करते जाएंगे और डिप कर हम ऐसे इसे निकाल कर प्लेट में रखते जाएंगे। देखने में ही यम्मी लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। इसे आप ऐसे भी कभी भी बनाकर खा सकते हैं, इसे आप स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं, या छोटी मोटी पार्टी होती है, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टीज या कोई गेट टुगेदर है, तभी भी आप इसे बना सकते हैं। खाने वाला आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएगा। ये हमने इमली और खजूर की चटनी में से निकालकर बेबी पोटैटोस प्लेट में रख लिए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं हम, आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला, फीका बारीक सेव, ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हरे धनिए से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। हमारी बेहद स्वादिष्ट बेबी पोटैटो चाट एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। इसमें आप टूथपिक लगाकर सर्व कीजिए ताकि खाने वालों को भी आसानी रहे। और अब टाइम है ग्रीन डब्बा परफेक्शन टिप्स का। सबसे पहले तो जब आप पोटैटोस को बॉईल करते हैं तो उनमें फॉर्क से छेद कर दीजिए और पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि पोटैटोस अंदर तक थोड़े से नमकीन हो जाएं, फीकापन खत्म हो जाए। फिर बॉईल होने के बाद छीलकर उसमें थोड़ा सा नमक और डालिए। जब आप इन्हें फ्राई करते हैं तो पहले हाई फ्लेम पर फिर लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें आप फ्राई करिए तो ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और जब आप इन्हें सर्व करें तभी इन्हें चटनी में डालें। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बेबी पोटैटो चाट बेहद स्वादिष्ट बनेगी और सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, उससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।